क्या हुआ भाई, वो भी आ रही है? यस अरे क्या हुआ भाई, क्या बात है, दोनों को आ रही है? कौन सी? Don't wait up. The Mask of Phantasm दोबारा आ रही है क्या? पहले दिसंबर 1993 आई थी, नाउ सितंबर 12, 2023 आ रही है। ओह, 30 इयर्स हो गए उसको। हाँ, लेकिन वो सिनेमा में नहीं लगेगी। क्यों? यार वो एकदम अलग थी। पुरानी वाली हो रही थी? पुरानी वाली लगी थी, यहाँ पाकिस्तान में नहीं लगी थी, लेकिन दुनिया में लगी थी। लेकिन तुम्हें पता है? क्या? तुमको पता है, यहाँ बैठो जरा। पाकिस्तान में एक फिल्म 15 सितंबर को आ रही है और वो बनी थी अप्रैल 1994, बिल्कुल उसके आगे पीछे। सानी? नहीं, सर कटा इंसान। सही दिल्ली की फिल्म आ रही है सरकटा इंसान, ठीक है? तो सही दिल्ली से पूछते हैं। सही भाई सामने कहो, ये ट्रेलर अभी हम लोगों ने देखा है और कैसे आपको उसका ख्याल आया? एक फिल्म को अपनी सरकटा इंसान को मैंने इसको दोबारा 35mm से डिजिटल पे ट्रांसफर किया है, स्कैन किया है, ताकि ये फिल्म हमारी एक तरह की लेगेसी होती है, हमारी एक हिस्ट्री होती है फिल्म्स, इसको हमें रेस्टोर करना चाहिए। तो उसको मैंने हाई रेजोल्यूशन में डिजिटल पे रेस्टोर किया और उसके साथ साथ पैनाविजन भी किया और डॉल्बी सराउंड साउंड के साथ किया, ताकि लोग कम से कम याद करें, कमिंग जनरेशन उसको उस पर रिसर्च कर सके कि हमने क्या बनाया था। मैंने भी चाहा कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है, बर्रे सगीर की पहली हॉरर और साइंस फिक्शन थी, तो मैंने सरकटा इंसान को इसी वजह से रेस्टोर कराया ताकि लोग देखें कि ये काम हुआ था पाकिस्तान में, हमारे स्टार ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं, और हमने उस वक्त किया जब कोई नहीं करता था सब कॉन्टिनेंट में। ये पाकिस्तान में पहली रेस्टोर है? अब आज तक पाकिस्तान में कोई फिल्म रेस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दूँ, लायन किंग जो 2D एनिमेशन की थी, उन्होंने जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उन्होंने उसको CGI करके सेम स्टोरी, एवरीथिंग सेम, लायन किंग को उन्होंने रिलॉन्च किया, उससे 10 गुना ज़्यादा बिजनेस किया फिल्म ने। सही भाई, आपने साइंस फिक्शन हॉरर जो बनाई, साइंस फिक्शन तो आप बना चुके थे, हॉरर भी बना सकते थे खाली, तो साइंस फिक्शन हॉरर जो बनाई। देखिए, हॉरर और साइंस फिक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है या जॉनरा जो है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉनरा है। अगर सिर्फ हॉरर बनाता तो कोई ऐसी बात नहीं होती, मगर उसमें साइंस फिक्शन का एक कॉम्बिनेशन की वजह से फिल्म में इम्पैक्ट हुआ है कि एक साइंटिस्ट किस तरीके से एक कैरेक्टर को जनरेट करता है, तो उस वजह से मैंने उसको साइंस फिक्शन। मेरी इससे पहले शानी भी साइंस फिक्शन आई थी। ये हॉरर और साइंस फिक्शन का मैं चाहता था कि नए नए जॉनरा में, सिर्फ ये नहीं हो कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरी बन रही है, एक्शन बन रहा है, सिर्फ यही इसी पे काम होता रहा, तो मैंने उसको ब्रेक करने के वजह से साइंस फिक्शन बनाए, साइंस फिक्शन हॉरर साइंस फिक्शन बनाई, फैंटेसी एडवेंचर तिरस्पी जजीरा बनाई। अच्छा ये बताएं, इसको आप प्रिजर्व कैसे रखते थे, क्योंकि आप हमारे यहाँ तो प्रिजर्व करने का भी कोई रिवाज नहीं है, और आप अगर लेके गए हैं अमेरिका प्रिंट सही कराने, तो उसमें तो बड़ा मेहनत की होगी, बड़ी उसकी आपने देखभाल की होगी, कैसे? देखिए, मेरे पास
इसके 20 प्रिंट्स थे और उनमें से 4-5 प्रिंट्स को जो है ना मैं बाकायदा हर 2 महीने बाद उसके बॉक्सेस खोलता था और वो मेरा एडिटर आता है वो उसको यानी एक तरह का प्रिजर्व करते थे हम जितना कुछ हो सकता था। एसी में नहीं करता था मगर फ़ैन में मैं प्रिंट्स को रखता था। फिर मैंने 20 प्रिंट में से एक प्रिंट सेलेक्ट किया, उनमें मुख्तलिफ कोई में स्क्रैचेस थे, कोई में बहुत डैमेज था, किसका कलर फेड हो गया था, तो उन सबों को करने के बाद फिर मैं उनको अमेरिका ले गया। अच्छा, अमेरिका लेके जब मैंने वहाँ लेबॉरेटरीज को बताया तो उन्होंने कहा कि कलर इसका हल्का सा डल हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में इसको स्कैन करना पड़ेगा, लेज़र स्कैनिंग करना पड़ेगा और फिर उसकी डाउन स्केलिंग करके 4K में रिलीज़ कीजिएगा, 2K में ना कीजिएगा। तो मैंने उनकी एडवाइस को फॉलो किया और आप आज देख लें ट्रेलर में उसके कलर कितने स्ट्रॉन्ग, रिच, डायनेमिक है। OTT वालों की जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनके के 4K होना चाहिए, डॉल्बी सराउंड होनी चाहिए और ये पिक्चर दोनों है। वहाँ ये अमेरिका में जब मेरा ट्रेलर चल रहा था तो जिस लैब में था तो वहाँ कुछ 2-3 लोग थे जो OTT वाले हैं, उन्होंने भी देखा ट्रेलर तो वो बहुत उनको बड़ी खुशी हुई, कहने लगे आपसे क्या नेगोशिएट करें। तो मैंने कहा पहले थिएट्रिकल रिलीज़ करूँ मैं पाकिस्तान में, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगा एंड आई विल टॉक ओवर फॉर रिलीज। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जब आपने ट्रेलर इसका चेक किया तो आसिफ खान साहब भी आपके साथ थे, शानी में भी वो विलन थे और इस फिल्म में भी थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वहाँ पता चला कि ये आसिफ खान साहब हमारे स्टार हैं, वो भी वाशिंगटन में थे, तो मुझे ट्रेलर को चेक करना था फर्स्ट टाइम जब ये रेडी होता है इसका डाटा कि मैं देखूँ सराउंड कैसा है। तो मैंने आसिफ खान को भी साथ ले लिया, तो हम एक जो सिनेमा हमने रीगल हायर किया था तो वहाँ काफ़ी बच्चे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या देख रहे हो, तो हमने कहा हमने ट्रेलर चेक कर रहे हैं हॉरर, तो सब बच्चों ने कहा हम भी देखेंगे, तो वो भी साथ आए और वो उन्होंने मेरे लिए तो वो सबसे पहला रिसर्च ही वो था कि सब बच्चे बैठे हुए क्लैपिंग कर रहे थे जब वो कैरेक्टर वो चल रहा था, फाइट हो रही थी, एक्शन हो रहा था, वो सब इंजॉय कर रहे थे। आसिफ भाई तो आसिफ खान तो बड़े एक्साइटेड थे देख के, काफ़ी देर तक सीट पे बैठे रहे पहले गौर से, कह लगे यार ये सर कटा इंसान है अपनी उनको यकीन नहीं आ रहा था। एक तो सराउंड में बहुत इम्पैक्ट दिया फिल्म ने, बहुत इम्पैक्ट दिया ऑनेस्टली। मैं सरकटा इंसान को 15 सितंबर 2023 को रिलीज़ कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सारे मल्टीप्लेक्सेस में जो जितने अवेलेबल हैं। तुम लोग किसे मुर्दा कह रहे हो, वो मुझे जिंदा इंसानों की तरह मिला है। पब्लिक देखना चाहती, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो तो ऑडियंस देखती है और अब इतना टाइम हो चुका है लोगों ने फिल्में देख रहे हैं, उनको एक हॉरर फिल्म दिखाई देगी, पब्लिक आएगी इंशाल्लाह ताला जरूर देखना। अच्छा भाई हम सब जाएंगे ठीक है, परफेक्ट, ओके, ताली।